हाँ, उस वक्त आप लोगों की शादी हो चुकी थी कि नहीं? ये अभी वही रोमांस का पीरियड चल रहा था। अभी जो रोमांस का ही चल रहा था तो वो ससुर जो है उनको पता था कि यहाँ कुछ दाल में काला है। असल में हुआ ये था कि 60 में हाँ ये राज फाश हो गया। ओ, और मेरी वालदा ने उनसे रिश्ता मांगा। हाँ, नौकरी मेरे पास थी कोई नहीं। हाँ, तो आपने अपनी वालदा को पहले कैसे मनाया? वो तो डॉक्टर और इंजीनियर के ख्वाब देख रही थी, पूरे खानदान डॉक्टर और इंजीनियर से भरपूर, तो अब वो थिएटर और आप भी। घर में सबसे छोटा था, लाडला था, तो इस तरह उन लोगों को मैं ब्लैकमेल कर देता। अच्छा, उन्होंने कहा बहू भी इसी फील्ड से आएगी, थिएटर से आएगी। कमाल है, मैं भी कुछ दिन पहले ये बात पूछ रहा था कि उन लोगों को नहीं अजीब लगा कि भाई देखें वो लोग तो एक डॉक्टर्स की एक फैमिली और एक मियां जो है उनके, और देखें उस जमाने में एक्टिंग करना थी, वो एक नई चीज थी ना, आइडिया कांसेप्ट नहीं था, अच्छा जाता था ना, और कांसेप्ट भी नहीं था, बिल्कुल एक नई सी चीज थी। एग्जैक्टली, तो लेकिन अपेरेंटली जिस तरह ये बता भी रहे हैं अभी, वो मैंने यही देखा कि रेजिस्टेंस, हार्डली एनी रेजिस्टेंस। मैं कह रही हूं कि समाज की दीवार ही नहीं आई, मतलब लोग थे साथ। नहीं, समाज की दीवार का खतरा बहुत था। ओह, क्योंकि यास्मीन के लिए बहुत रिश्ते आ रहे थे। आए हाय, और आपके पास नौकरी नहीं? हमें पर नौकरी नहीं थी। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि कोई समाज की दीवार नहीं थी, आप लोगों को खदशा था कि समाज की दीवार आएगी, मगर नहीं हुआ ऐसा कुछ, क्योंकि आपको मिलना था। वो बहुत से प्रपोजल आने शुरू हो गए ना, तो यास्मीन ने कहा कि भाई कुछ करना पड़ेगा, कोई नौकरी वोकरी करो। हाँ, मैं उस वक्त सिविल सर्विस के इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। अच्छा, अपने तौर पे कहने के, पता नहीं वो तो कब होगा नहीं होगा, बहुत प्रेशर है। हाँ, तो माँ बाप मेरे कहीं मान ही ना जाए किसी को। हाँ, क्योंकि बड़े बड़े अच्छे लोग आ रहे थे। हाँ, तो कहने अखबार में आज इश्तहार निकला हुआ है हबीब इंश्योरेंस, हबीब बैंक की तरफ से, कि वो एक कम्पटिशन का इम्तिहान कर रहे हैं। अच्छा, तो तुम इसको क्यों नहीं देखते? हाँ, मेरे पास तो कोई चारा नहीं था, मैं जाके उस इम्तिहान में बैठ गया। हाँ, अच्छा, मेरे साथ दो सिविल सर्विस के जो इम्तिहान देने वाले थे वो भी साथ बैठ गए। सही, खुशकिस्मती मेरी ये कि मैं उसमें फर्स्ट आ गया। बेटा, कि इसलिए आप फर्स्ट नहीं आए, आप आए कि आपको अल्लाह ताला ने मिलाना था, मिलाना था। बिल्कुल। फर्स्ट आ गया, उसके बाद ये हुआ कि हमें यहाँ कराची भेजा गया। हाँ, ट्रेनिंग के लिए। हाँ, यहाँ ट्रेनिंग जो थी सारे पाकिस्तान से जितने आए थे उन सब में फिर मैं टॉप कर गया। बड़े बाप रे। हाँ, वहाँ फिर टॉप कर गया। अब तो अम्मी आराम से रिश्ता मांगने जा सकती हैं। हाँ, अब आपके पास आप उन्होंने कहा कि इसको डायरेक्टली ब्रांच मैनेजर अपॉइंट कर देते हैं इस्लामाबाद में। ओके, अब तो मैं अफसर हो गया। ओए, ओए। और अब हो सकता था, चुनाचे वो गई हूँ रिश्ता मांगने।